अगर आप लक्षद्वीप जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लक्षद्वीप एक इंडियन यूनियन टेरिटरी है जिसमें 36 छोटे छोटे आइलैंड है, बट उसमें से बहुत ही कम आइलैंड में लोग रहते हैं। इसमें सिर्फ 6 या 7 आइलैंड है जो टूरिस्ट के लिए खुले हैं। अगत्ती आइलैंड, कल्पेनी, मिनिकॉय, कवरती, कदमत, बंगारम एंड टिंकारा। कवरती आइलैंड लक्षद्वीप की कैपिटल है, बट एयर स्ट्रिप सिर्फ अगत्ती आइलैंड में ही है। यहाँ पर नेटिव लैंग्वेज जैसरी है, जिसका मतलब है द्वीप भाषा और लैंग्वेज ऑफ आइलैंडर। और मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर मलयालम पता है, बट आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर लोग इंग्लिश और थोड़ी बहुत हिंदी भी समझ जाते हैं। तो लक्षद्वीप जाने के 2 तरीके हैं, बाय एयर एंड बाय शिप। बाय एयर, जैसे कि मैंने कहा था कि एयर स्ट्रिप अगत्ती आइलैंड पे है, सो आप कोची से अगत्ती आ सकते हैं बाय फ्लाइट। नॉर्मली फ्लाइट्स के रेट कुछ 5 से 6 हज़ार तक रहते हैं, बट पीक सीजन में जैसे कि दिसंबर एंड जनवरी में इसके रेट्स थोड़े हाई रहते हैं। बाई शिप अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं तो शिप से जाने के 2 तरीके हैं। पहला तो एक है, आप lakpot.nic.in से बुक कर सकते हैं कोई भी आइलैंड लक्षद्वीप घूमने का। अगर इस तरीके से आप आना चाहते हैं तो आपको काफ़ी चिप पड़ेगा, बट आपको परमिट लेना पड़ेगा। परमिट लेने के लिए आपको कोई लक्षद्वीप का लोकल एड से कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है और लेंदी प्रोसेस भी है। और दूसरा तरीका है समुद्रम पैकेज के थ्रू, जो कि लक्षद्वीप टूरिज्म के द्वारा होती है। अगर आप समुद्रम पैकेज से जाएंगे तो आपको कोई परमिट की टेंशन नहीं, क्योंकि लक्षद्वीप टूरिज्म डिपार्टमेंट आपके बिहाफ में ये सारी आइलैंड्स की परमिट लेती है। आप समुद्रम पैकेज की बुकिंग के लिए उनकी वेबसाइट samudram.utl.gov.in पे विजिट कर सकते हैं, या कोई भी रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसी जो उनके वेबसाइट में मेंशन है उनके थ्रू भी आप बुक कर सकते हैं। ये टूरिस्ट के लिए यहाँ पर 2 क्लासेस रहती है, डायमंड क्लास जिसमें एक रूम में डबल शेयरिंग होती है और उसकी प्राइस 32,000 रहती है। दूसरा है गोल्ड क्लास जिसमें 4 लोगों की शेयरिंग होती है और उसकी प्राइस 22,000 है। इस पैकेज में आपका ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर इंक्लूडेड रहता है और इसमें 3 आइलैंड वो लोग घुमाते हैं। पूरा जो ट्रिप रहता है वो 4 रात और 5 दिन की होती है। समुद्रम पैकेज के बारे में डिटेल्स में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लक्षद्वीप में बहुत लिमिटेड कनेक्टिविटी है, सिर्फ BSNL का 2G नेटवर्क मिलेगा आपको। सो आने से पहले अगर आपके पास BSNL सिम नहीं है तो सिम जरूर ले लें, अगर आप सभी से कनेक्टेड रहना चाहते हैं ड्यूरिंग योर ट्रिप। नहीं तो इट इज़ अ गुड टाइम फॉर डिजिटल डिटॉक्स। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है फूड। खाने पीने के लिए आइलैंड्स पे आपको प्राइवेट रेस्टोरेंट नहीं मिलेंगे, तो जिस रिजॉर्ट पे आप रहोगे वहाँ पर ही आपका खाने का इंतजाम होगा। लक्षद्वीप अल्कोहल फ्री जोन है, बट सिर्फ बंगारम आइलैंड पे अल्कोहल सर्व होती है। तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा स्टे। प्राइवेट होटल स्टे के लिए बहुत कम है लक्षद्वीप आइलैंड में, तो आप अगर यहाँ पर स्टे के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको पहले कोई ट्रैवल एजेंसी को कनेक्ट करना पड़ेगा जो आपकी ट्रिप प्लान कर पाए, या फिर कोई गवर्नमेंट रिजॉर्ट बुक कर सकते हैं स्पेसिफिक आइलैंड में रहने के लिए। ये अगर आप एज ए सिंगल पर्सन करेंगे तो थोड़ा आपको महंगा आएगा। पैकेज और रिजॉर्ट की डिटेल्स आपको lakshadweeptourism.com पे मिल जाएगी। ऑनलाइन बुकिंग के लिए samudram.utl.gov.in पे आप विजिट कर सकते हैं रिजॉर्ट बुक करने के लिए भी। सारे यूजफुल लिंक्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लक्षद्वीप में साइट सीइंग के अलावा आपको वाटर एक्टिविटीज भी करनी मिलेगी। हर आइलैंड पे वाटर एक्टिविटीज रहती है, मोस्टली जैसे कि स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, ग्लास बोट राइड, कायाकिंग वगैरह वगैरह। ये कुछ गवर्नमेंट के प्राइस लिस्ट है फॉर योर रेफरेंस। दिसंबर यहाँ का पीक सीजन रहता है, सो नॉर्मल प्राइस है 10% हाइक रहता है दिसंबर के टाइम। लक्षद्वीप का ट्रिप थोड़ा महंगा रहता है, बट अगर आप इसकी ब्यूटी के साथ इसे कंपेयर करेंगे तो उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। अगर आप बीच पर्सन हैं तो यहाँ पर जरूर जाएं। एवरी सिंगल पेनी स्पेंट ओवर हियर रियली वर्थ। और ये सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड है इंडिया का, जो कि मालदीव्स के बराबर ही है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और ज़रूर कमेंट करें, और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो यहाँ पर घूमने का प्लान बना रहे हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे और ट्रैवलिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगर लक्षद्वीप के ट्रैवल को लेकर आपको कोई भी क्वेरीज है तो मुझे इंस्टा पे भी आप DM कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी ID मेंशन कर लूँगा। मिलते हैं और एक नए ट्रैवलिंग वीडियो में जल्दी। हैव अ ग्रेट डे अहेड।